Once again, welcome students of class 8th. We are reading our chapter number 1, the Shoemaker of Paris. So let's continue at page number 7. I let a fuse friend of mine see him. It's a lesson for them, Defarge answered calmly. Then he added, you are English, you can't understand how things are here. वो ले जाते हैं उनको, ले जाने के बाद दिखाते हैं, तब उसके बाद आगे की बात हो रही है. आई लेट ए फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड सी हिम. मुझे मैं अपने आप को कुछ मित्रों को दिखाने जा रहा हूँ. इट्स अ लेसन फॉर देम, और ये उन सब लोगों के लिए एक लेसन भी है. डिफर्ज आंसर्ड कालमली, कालमली यानी कि शांत से डिफर्ज ने उत्तर दिया. देन ही एडिड, और इसके बाद उसने कहा, यू आर इंग्लिश यानी कि तुम अंग्रेज हो. यू कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हेयर, और तुम नहीं समझ सकते कि यहाँ पर किस तरह की घटनाएँ घटित हो रही हैं. डिफर्ज अनलॉक द डोर ऑफ द डॉक्टर्स रूम. ही वेंट इन. मिस्टर लॉरी स्टूड विद लूसी इन द डोरवे. देयर वॉज लिटिल लाइट इन द रूम. डिफर्ज अनलॉक करते हैं दरवाजे को डॉक्टर के कमरे को. ही वेंट इन, और अंदर चले जाते हैं, जबकि मिस्टर लॉरी वहीं पर खड़े रहते हैं लूसी के साथ दरवाजे पर ही. देयर वॉज लिटिल लाइट इन द रूम. कमरे के अंदर का एटमोसफेयर ज़्यादा अच्छा नहीं था, हल्का सा प्रकाश वहाँ पे था, ज़्यादा प्रकाश भी नहीं थी. कम इन कम इन कॉल डिफर्ज. डिफर्ज ने उनको पुकारते हुए कहा कि आप भी अंदर आ जाइए. लूसी स्टूड देयर ट्रेम्बलिंग लाइक ए लीफ. लेकिन लूसी वहीं पर खड़ी रही, और जिस प्रकार से एक पत्ता हिलता है उस प्रकार से, पत्ता कांपता है हवा के चलने से, उस प्रकार से वो भी ट्रेम्बलिंग कर रही थी. आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है. सी सैड, उसने कहा, ओ आई फील सो अफ्रेड, मुझे बहुत ज़्यादा डर का अनुभव हो रहा है. मिस्टर लॉरी टुक हर आर्म एंड लेट हर इनसाइड द रूम. तब उन्होंने मिस्टर लॉरी से कहा कि उनका हाथ पकड़ लीजिए और उनको हाथ पकड़ के अंदर ले आइए. एट द फियर एंड ए मैन वॉज बेंडिंग लो ओवर ए शू मेकर बेंच. और इस प्रकार से उनके फियर यानी कि डर का अंत होता है. एक व्यक्ति जो कि झुका हुआ था काफ़ी ओवर ए शू मेकर बेंच. शू मेकर यानी कि जिस पर बैठकर कोई शू मेकर शू बनाता है, उस बेंच पर वो बैठा हुआ था. हिज बैक वॉज टूवर्ड्स द डोर, और उसकी जो पीठ थी वो दरवाजे के ओर थी. हिज फेस वॉज टर्न टूवर्ड्स द लाइट कमिंग फ्रॉम ए टीनी विंडो. और जैसे ही छोटी सी खिड़की से प्रकाश आया तो उसने उसकी ओर देखा. हिज लॉन्ग हेयर वॉज स्नो वाइट, और उसके जो लंबे बाल थे. हिज फेस वॉज टर्न टूवर्ड्स द लाइट कमिंग फ्रॉम अ टीनी विंडो. हिज लॉन्ग हेयर वॉज स्नो वाइट. हिज लॉन्ग हेयर वॉज स्नो वाइट. स्नो वाइट यानी कि बर्फ के जैसे सफ़ेद थे. हिज क्लॉथ्स हैंग लाइक रियूज फ्रॉम हिज थिन शोल्डर्स. और जो उसके कपड़े थे वो इस तरह से लटके हुए थे उसे कंधों पर, ताकि जिससे जैसे कि काफ़ी लूज हों, ढीले हों. तो ये बेटे आपका फर्स्ट चैप्टर था द शू मेकर ऑफ पेरिस. और ये जो सोर्सेज हैं इस स्टोरी के, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ सिंप्लीफाइड बाय सरावोनी घोष. अब बेटे आप लोगों को करना क्या क्या है, नोटबुक में, नोटबुक वर्क आपका स्टार्ट हो गया आज से मान के चलिए. एक तो आप इसी तरह आगे जो पोर्शन हमारा ये आज कंप्लीट हुआ है, इस पोर्शन के आप कर लेंगे हार्ड वर्ड. उसके बाद में आप करने हैं, आपको करने हैं इसके वर्ड्स मीनिंग, जैसे बैरल, बैरल यानी कि वुडन ड्रम, स्टाउट, वेल बिल्ट, कोर्टयार्ड, स्पेस इनक्लोज्ड विद इन वॉल्स, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग एंड पब्लिक शो एग्जीबिशन. ये वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. उसके बाद में आ जाइए जो आज आप लोगों का वर्क है फॉलोइंग, मैं कराऊंगा इसको. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आज आपका होमवर्क रहेगा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द मिजरेबल पीपल रश्ड आउट टू ड्रिंक. क्या ड्रिंक करने के लिए भागते हैं? चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ध्यान से उसको यहाँ पे फिल करना है. कल मैं आपको इनके आंसर जब बताऊँगा तब आप मैच करेंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ. ठीक है भाई, उसके बाद आप आ जाइए आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट. अच्छा, ये आप नहीं करेंगे, केवल ये वर्क हुआ आपका. वर्ड वर्ड आपके हुए करने के लिए इसमें, वर्ड मीनिंग हुए, और ये आप लोगों को करना है आज का. केवल और केवल इतना ही वर्क है आपका.
कल की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और अदर बुक वर्क करेंगे। ओके एंड बाय बाय।